जी आपका की किस तरह की है आपको ये लव शगुन फिल्म हमारी फिल्म जो रिलीज हो रही है मेरी फर्स्ट फिल्म है और इसमें मैं वन ऑफ द लीड रोल पोर्ट्रे कर रही हूँ और मेरे कैरेक्टर का कर नाम है शमा तो शमा इस इस फिल्म में आ, हर डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ लव दिखाया गया है और हर एक कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है वो अलग अलग लव के डेफिनेशन को खुद पोर्ट्रे कर रहे हैं तो मेरा जो ये कैरेक्टर शमा है ये डिवोशनल लव को पोट्रे कर रही है और वो प्रोफेशन से बार डांसर है बट वो बिल्कुल लाउड नहीं है वैसे ही और वो बहुत ही इनोसेंट है और क्यूट है फनी है आ, मतलब ये मूवी लव शगुन रॉम कॉम भी है और सिचुएशनल कॉमेडी में इस इसमें काफ़ी है तो मेरे कैरेक्टर में थोड़ा सा कॉमेडी का टिंज है और फर्स्ट टाइम मैंने ये कॉमेडी अटैम्प्ट किया है तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट और ये कैरेक्टर जो शमा है उसको लाइफ में प्यार चाहिए शीजन सर्च ऑफ रियल लव और ट्रू लव के सर्च में है वो और uh, जब उसे मिलता है वो प्यार तो चाहे वो उससे सामने से प्यार वापस मिले या ना मिले लेकिन उसका प्यार बहुत डिवोशनल वो अगर किसी से प्यार करती है तो बस करती है तो इस तरह का कैरेक्टर है किस तरीके से फिल्म आपको ऑफर पता चला जी एक्चुअली इसके पहले मैंने जो टीवी किया है काफ़ी सारा टीवी शोज किए हैं तो इस फिल्म के लिए इस, इस फिल्म का जो कास्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने मुझे एक लुक टेस्ट के लिए बुलाया और मीटिंग के लिए बुलाया डायरेक्टर के साथ तो डायरेक्टर ने मुझे कहा कि ये एक रोल है शमा का और मुझे जब ये एक ब्रीफ दिया रोल का तो पहले तो मैं बहुत डर गई कि अच्छा इसमें ये बार डांसर का है और इसमें एक मुंबईया लिंगो भी है तो काफ़ी चैलेंजिंग टाइप का कैरेक्टर था नॉर्मल कैरेक्टर नहीं था नॉर्मल लव स्टोरी वाला कैरेक्टर बिल्कुल नहीं था तो मुझे नहीं पता था मुझसे हो पाएगा या नहीं तो मैं जब लुक टेस्ट में के लिए गई तो मैं प्रिपेयर करके गई खुद को और काफ़ी हद तक उन्हें वो कनेक्ट कर पाए मुझे इस कैरेक्टर के साथ उन्हें ऐसा लगा कि बाकी लड़कियाँ लाउड कर रहे थे बिकॉज बार डेंसर रहे थे सब लोग लाउड प्ले कर रहे थे मैंने इसको एक इनोसेंस के साथ प्ले किया तो वो उनको अच्छा लगा फिर इसलिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया फाइनली एंड uh, मैंने ये मूवी की क्योंकि एक ये वन लीड रोल है और दूसरा कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग था ये मतलब रन ऑफ द मिल टाइप कैरेक्टर्स नहीं है जी अगर टीवी कलाकारों की बात की जाए तो उनका पैमाना टीवी पे ही खत्म हो जाता था अभिनय की बात की जाएगा लेकिन ये पिछले दो तीन चार सालों में काफी सारे टीवी हैं जो बॉलीवुड में अच्छा काम कर हैं इस पर आपके क्या विचार हैं हाँ ये बहुत अच्छा अभी सिनेरियो बन रहा है क्योंकि पहले ऐसा होता था, था कि आप अगर टीवी कर रहे हो तो लोग आपको इतना एंटरटेन नहीं करते थे फिल्म वाले आ, उनको ऐसा लगता था कि ऑलरेडी आपका काफ़ी एक्सपोजर हो चुका है तो फिल्म अगर आप फिल्म करोगे तो आ, लोग आपको इतना आ, ये नया फ्रेशनेस नहीं रहता है ऐसा उनका मानना था जो कि बिल्कुल गलत है तो आजकल थैंकफुली ये सिनेरियो कम्पलीटली चेंज हो चुका है इनफैक्ट आजकल जब मैं मीटिंग्स के लिए भी जाती हूँ फिल्म के लिए तो जब मैं बोलती हूँ कि मैंने टीवी पे किया तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं उस बात को क्योंकि उनको पता चलता है कि हम काफ़ी एक्सपीरियंस हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है क्योंकि टी में ज़्यादा प्रेशर में एक एक्टर काम करता है क्योंकि उसमें कम टाइम में काफ़ी काम निकालना होता है तो ज़्यादा प्रेशर रहती है तो आजकल फिल्म वाले वो बात को अप्रिशिएट करते हैं और फिर आज सुशांत सिंह राजपूत अभी फिल्म्स कर रहे हैं टीवी से वो भी गए और तो फिर ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है बहुत टीवी एक्टर्स हैं जो अभी फिल्म्स में ट्रांजिशन ले रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है टीवी एक्टर्स के लिए अगर ये फिल्म लव शरून की बात की तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला हो किसके साथ सबसे अच्छी केमिस्ट्री रही आपकी Uh, इसमें मुझे ऑब्वियसली uh, जो क्रिएटिव डायरेक्टर है इस मूवी के विश्वनाथ जी उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला उन्होंने मेरे वर्कशॉप्स भी उनके साथ मेरी हुई और उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प की इस कैरेक्टर का जो लहजा पकड़ने के लिए और किस तरह से बात करना है कैसे अदाएँ देना है तो इन्होंने इस पर हमने काफ़ी मिल के वर्कआउट किया और कास्ट में से जो लड़की है सिम्पी करके एक मे को एक्टर है वो मून का कैरेक्टर निभा रही है तो उसके साथ मैं बहुत अच्छा रैपो हो गया हम लोग काफ़ी फ्रेंडली हो गया हम लोग गोवा में शूट कर रहे थे तो एक ही रूम में थे और हमने वैनिटी भी शेयर की तो अभी भी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई तो उनके साथ बहुत अच्छा रहा